स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में बॉलीवुड के फेमस प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर राहुल रावल सर जी के डायरेक्टिंग करियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद हमारी कोशिश आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राहुल रावल सर जी की टॉप मूवीज रही हैं बेताब, अर्जुन और लव स्टोरी जो कि ब्लॉकबस्टर रही, डकैत। इनका जन्म 7 अप्रैल 1951 को बंबई में हुआ। इनके पिताजी का नाम H.S. रावल है और इनकी शादी रीता रावल जी के साथ में हुई थी। इनकी डेब्यू मूवी सन 1980 में आई थी जिसका नाम था गुनहगार। इस मूवी में लीड कास्ट में ऋषि कपूर, परवीन बाबी, राजेंद्र कुमार और रंजीत देखने को मिले। बदकिस्मती से मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी सन 1981 में बीवी ओ बीवी। इस मूवी को राहुल रावल जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें संजीव कुमार, रणधीर कपूर, योगिता बाली, सिमी ग्रेवाल, ओम प्रकाश थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1981 में लव स्टोरी। ये कुमार गौरव जी की डेब्यू मूवी थी। इसमें कुमार गौरव, विजेता पंडित, राजेंद्र कुमार, अरुणा ने, अमजद खान डैनी थे। इस मूवी को का बजट 2 करोड़ 25 लाख था। भारत में 5 करोड़ 70 लाख की दुनिया में 11 करोड़ की कमाई की और ब्लॉकबस्टर रही। अगली मूवी आई थी 1983 में बेदाब। ये सनी देओल की डेब्यू मूवी थी। इसमें सनी देओल, अमृता सिंह, रूपा राज, शम्मी कपूर, प्रेम चोपड़ा थे। इस मूवी का बजट था 1 करोड़ 87 लाख, भारत में 6 करोड़ 70 लाख की दुनिया में 13 करोड़ 50 लाख की कमाई की ब्लॉकबस्टर रही। अगली मूवी आई थी 1985 में अर्जुन। इसको राहुल रावल जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें सनी देओल, डिंपल कपाड़िया, राज किरण, अनुपम खेर लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1986 में समुंदर। इस मूवी को राहुल रावल जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें सनी देओल, पूनम ढिल्लो, नवीन निश्चल लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1987 में डकैत। इसको राहुल रावल जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री, राखी गुलजार, रजा मुराद और परेश रावल लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1990 में जीवन एक संघर्ष। इसको राहुल रावल जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, राखी गुलजार लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ब्लो एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1991 में मस्त कलंदर। इसको राहुल रावल जी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में धर्मेंद्र लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी सन 1991 में योद्धा। इसको राहुल रावल जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें लीड कास्ट में सनी देओल, संजय दत्त, संगीता बिजलानी लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर बदकिस्मती से फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी राहुल रावल जी के डायरेक्शन में सन 1992 में बेखुदी। इस मूवी में काजोल की डेब्यू मूवी थी। इसमें काजोल, कमल सराना, तनुजा, फरीदा रावल लीड कास्ट में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप रही। अगली मूवी 1994 में आई थी अंजाम। इसको राहुल रावल जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, सुधा चंद्रन, दीपक तिजोरी लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी का बजट 2 करोड़ था, भारत में 4 करोड़ की दुनिया में 9 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1997 में और प्यार हो गया। इसको राहुल रावल जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें बाबी देओल, ऐश्वर्या राय, शम्मी कपूर, अनुपम खेर थे। ये ऐश्वर्या राय की डेब्यू मूवी थी। इस मूवी का बजट था 6 करोड़, भारत में 7 करोड़ की दुनिया में 14 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1999 में अर्जुन पंडित। इसको राहुल रावल जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें सनी देओल, जीहुनी, जूही चावला, अन्नू कपूर लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी का बजट था 10 करोड़, भारत में 12 करोड़ की दुनिया में 20 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी सन 2001 में कुछ खट्टी कुछ मीठी। इसको राहुल रावल जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें सुनील शेट्टी, काजोल, रति अग्निहोत्री, ऋषि कपूर लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी का बजट था 6 करोड़ रुपये, भारत में कमाई की 5 करोड़ की दुनिया में 11 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी सन 2005 में आई थी जो बोले सो निहाल। इसको राहुल रावल जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें सनी देओल, शिल्पी शर्मा, कमल खान लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी का बजट 15 करोड़ था, भारत में 9 करोड़ की दुनिया में 15 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी को डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी आई थी राहुल रावल जी के डायरेक्शन में सन 2007 में बुढ़ा मर गया। इसको राहुल रावल जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अनुपम खेर, परेश रावल, ओमपुरी लीड कास्ट में थे। ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट था 3 करोड़ 75 लाख रुपए, भारत में इस मूवी ने कमाई की 2 करोड़ 95 लाख की और दुनिया में 4 करोड़ 50 लाख की कमाई की और बॉक्स ऑफिस मूवी को डिजास्टर करार दिया गया।
फ्लॉप करार दिया गया। ये इनकी लास्ट मूवी थी, इसके बाद इनकी कोई मूवी नहीं आई। तो ये राहुल रॉयल जी का फिल्मों का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था। इसमें से कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और किस एक्टर या फिर एक्ट्रेस या डायरेक्टर का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर फुल वीडियो वॉचिंग।